हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट के कुछ सीडीपी के पीवाईक्यू। हालांकि ये सीटेट पेपर टू के 5 जनवरी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन सीटेट के पेपर टू के जो पीवाईक्यू होते हैं वो आने वाले सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। ये केवीएस, DSSB, बिहार टेट, यूपी टेट, अदर जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है उसमें असेसमेंट क्या होना चाहिए, इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पीरियोडिक एग्जामिनेशन। सिर्फ थोड़ा थोड़ा बहुत पीरियोडिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, नहीं, असेसमेंट हर तरह से होना चाहिए। यानी कि कुछ थोड़ा बहुत फ्यू पीरियोडिक एग्जामिनेशन ले लिए हो गया, नहीं, असेसमेंट हर तरह से होना चाहिए। ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू रिटर्न, सिर्फ रिटर्न ऑब्जेक्टिव, सिर्फ रिटर्न नहीं लेना और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लेना, हर तरह से असेस करना है बच्चे को। ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल। अब ये कह रहा है कि होना ही नहीं चाहिए, डज नॉट टेक प्लेस मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो और गलत बात है। इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सही आंसर है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट जो है वो लर्निंग का एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग का एक पार्ट होता है, कि आप बच्चे को सिखाते जाइए और असेस करते जाइए कि बच्चे ने कहाँ सीखा, कहाँ नहीं सीखा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ आपको अपनी पैडागोजी चेंज करनी है। असेसमेंट का यही मतलब होता है कि आप बच्चे को, बच्चे का असेसमेंट करेंगे कि आपके पैडागोजी में कहाँ कमी रह गई, बच्चे ने सीखने में, आखिर बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, या अगर सीखा तो कहां तक सीखा। ठीक है, इसलिए होता है असेसमेंट। इसको हिंदी में भी कर लेते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कुछ सामयिक परीक्षा, सिर्फ सामयिक परीक्षाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, असेसमेंट हर तरह से किया जाता है। लिखित वस्तुनिष्ठ, केवल लिखित नहीं और केवल वस्तुनिष्ठ भी नहीं, हर तरह से बिल्कुल नहीं किया जाता, ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता, किया तो जाता ही है। को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, असेसमेंट को क्या है, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, मतलब जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको रिटेंशन मतलब रोक कर रखना, उसको आप स्कूल में कैसे रोक कर रखेंगे, ऐसा ना हो कि वो आए और 6 महीना पढ़ के, साल भर पढ़ के फिर स्कूल छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो लोग तो पिछड़े हुए हैं, तो कैसे रोक के रखेंगे, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। रोट लर्निंग हर हाल में निगेटिव आंसर होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, ये स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ आ गया वो निगेटिव हो गया, हमेशा करिकुलम को जो है फ्लेक्सीबल होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम हमेशा फ्लेक्सीबल होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ये किसी भी ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग हमेशा लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग ओरिएंटेड, अगर ये लर्निंग ओरिएंटेड रहेगा तभी सही ऑप्शन होगा, अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा तो ये गलत होगा। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, आपको ऐसा करिकुलम रखना चाहिए जिससे कि वो बच्चा अपने आप को रिलेट कर सके। ठीक है, अब वो बच्चा किसी पिछड़े ग्रुप से आ रहा है और आप ऐसा करिकुलम रखे, आप क्लास में ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं कि हमेशा अमेरिका और लंदन के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप को उससे जोड़ ही नहीं पाएगा। उसको ऐसा ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे वो खुद को रिलेट कर सके। ठीक है, जब बच्चा अपने आप को रिलेट करेगा तभी तो लगेगा कि नहीं, यहाँ मेरे जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो उसको ऐसा पढ़ाना है कि वो अपने आप को उससे रिलेट कर सके। ठीक है,
हिंदी में करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रट कर सीखना हमेशा एक निगेटिव आंसर होता है। पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, ये मानकीकरण नहीं होता है, लचीलापन होना चाहिए। पाठचर्या जो है ना हमेशा लचीला होना चाहिए, मानकीकरण नहीं होना चाहिए। ये प्रदर्शन उन्मुख नहीं होना चाहिए, ये लर्निंग लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। ये प्रदर्शन उन्मुख नहीं, लर्निंग ओरिएंटेड, और संदर्भित व अर्थपूर्ण, मतलब आप ऐसा चीज उसके साथ ऐसा रखिए, ऐसा डिस्कस करिए जो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंगफुल हो, जिससे वो खुद को जोड़ पाए, ठीक है, अपने आप को रिलेट कर पाए, तभी वो रुकेगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इन सेवरल मिडिल स्कूल क्लासरूम इट इज ऑब्जर्व दैट बॉयज ऑफन रेज देयर हैंड्स टू आंसर मोर देन गर्ल्स एंड टेंड टू डोमिनेट क्लासरूम डिस्कशन इन सच कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड। क्या हो रहा है एक इस मिडिल क्लासरूम में, मिडिल स्कूल क्लासरूम में, कि हर बात पे जो है बॉय ही अपना हैंड रेज कर रहा है, और जब डिस्कशन हो रहा है तो वो हॉबी होना चाह रहा है गर्ल पे, ठीक है। मतलब टीचर करा रही है तो वो क्या देख रही है, हर चीज में बॉय ही आगे हो रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है, डिस्कशन में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लड़की को मौका नहीं दे रहा है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट, ये तो गलत है। बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, ये एक गलत धारणा है, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब इक्वल है। एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टडी इन, ये भी एक बहुत गलत बात है कि गर्ल्स जो है वो मिडिल स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है। एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंस आर इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब टीचर को मान लेना चाहिए कि जेंडर डिफरेंस जो है वो जन्म के साथ ही आ जाता है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जेंडर डिफरेंस जो है वो जन्म के साथ नहीं आता है, उसको बच्चे सोसाइटी में सीखते हैं, घर में देख के, बाहर देख के, माहौल समाज में देख के, बच्चे समाज में देख के सीखते हैं कि कौन सा काम लड़कियों का है, कौन सा काम लड़कों का। ये धारणा जो उनके दिमाग में आती है वो इनबॉर्न नहीं आती है, पैदा लेते ही बच्चा, कोई लड़का पैदा लेते ही नहीं जान जाता कि मेरा क्या काम है, और कोई लड़की पैदा लेते ही नहीं जान जाती है कि मेरा क्या काम है। उसको समाज के द्वारा थोपा जाता है कि तुमको घर का काम करना है, या तुम्हारा ये पिंक कलर है तो लड़कियों का कलर है, ये सब चीज बाद में सोसाइटी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, इनबॉर्न नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हर ऑन पेडागोजी, टीचर को जो है अपना पेडागोजी चेंज करना चाहिए कि अपना पेडागोजी को हम कैसे चेंज करें, पढ़ाने के तरीके को कैसे चेंज करें जो लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो, और कॉन्टेक्स्ट को कैसे चेंज करें कि लड़कियां भी इससे जुड़ सके, ठीक है। कभी भी बच्चा गलत नहीं होता, हर हाल में टीचर गलत होता है। जिस भी ऑप्शन में बच्चा गलत होगा वो ऑप्शन गलत, जिस भी ऑप्शन में टीचर गलत है वही ऑप्शन सही। हर हाल में टीचर को अपना पेडागोजी चेंज करना है बच्चे के अनुसार, ठीक है। तो टीचर को अपना पढ़ाने का तरीका सुधारना पड़ेगा, पढ़ाने के तरीके पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं बात, जो लड़कियां इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम कैसे अपने पेडागोजी को चेंज करें जो लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हॉबी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये एक गलत धारणा है। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती है, ये जन्मजात नहीं होती है, ये बाद में लोग सोसाइटी से सीखता है, ठीक है। वो उन्हें संशोधित क्यों नहीं किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों के संदर्भ का वो खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए, अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ाने का तरीका चेंज करें जो लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। Which of the following defines a progressive classroom? Progressive classroom क्या होता है? Progressive classroom, learning for exam,
एग्जाम के लिए लर्निंग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? लर्निंग लर्निंग के लिए होना चाहिए। टीचर सेंट्रिक पेडागॉजी कभी नहीं होना चाहिए, पेडागॉजी हमेशा क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है? ये टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड। प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है उसमें उस चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को माना जाता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है? और ये डीकॉन्स्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम नहीं, बल्कि इसका ये जो डी है यही इसका निगेटिव वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, डी लगा के इसको निगेटिव बना दिया, ठीक है? फोकस ऑन एक्सपेरियंशियल लर्निंग, हाँ, जहाँ बच्चा ऐसे सीखेगा, एक्सपेरियंशियल लर्निंग करेगा, वही हमारा एक पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है? ये डी अगर नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता, कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम को रखा जाता तो वो सही आंसर था, डी लगा दिया तो वो एक निगेटिव आंसर हो गया, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षा के लिए कभी नहीं सीखना चाहिए, गैर संदर्भित पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए, संदर्भित पाठ्यचर्या होना चाहिए, गैर संदर्भित नहीं, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है? तो अनुभवात्मक अधिगम पर बल, बच्चा अपना एक्सपीरियंस करके सीखेगा, ठीक है? बच्चा अपना एक्सपीरियंस करेगा, नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, को ऐसा ये चारों में से कौन सा क्वेश्चन है जिससे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है? व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस इन योर एरिया एंड व्हाई, ये तो सही बात है, जहां पर भी व्हाई आ गया तो बच्चे को सोचना पड़ेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, बच्चे को सोचना पड़ेगा। व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट 1964 स्टेट, ये एक लाइन में उसका रटा रटा यह आंसर होगा कि सिविल राइट्स एक्ट 1964 जो है वो क्या कहता है, ये इसमें उसको सोचना नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इसमें भी उसको सोचना नहीं पड़ेगा, ये इसका रटा रटा यह आंसर होगा। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, इसके लिए भी बच्चा सोचने में दिमाग नहीं लगाएगा, तो बच्चा का सोचने में दिमाग किसमें लगाएगा, इसमें, जिसमें बच्चा सोचने में ज्यादा दिमाग लगाएगा उसी से उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? आप अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों, जहां पे क्यों आ जाता है क्वेश्चन में तो उसी से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग भी बढ़ता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग होता है, क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, तो उसका भी यही आंसर होता, ठीक है? क्यों वाले क्वेश्चन में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, ये सब तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बच्चा याद करके जवाब दे देगा, उसमें वो सोचेगा नहीं। With respect to inclusion of students with disabilities in regular schools, which of the following provision is against the rights of person with disabilities act? कह रहा है कि inclusion करना है ऐसे बच्चे का जो जिसको disabilities है, ठीक है? तो उसके लिए इस act में क्या प्रावधान किया गया है? With respect to inclusion of students with disabilities in regular school, which of the following provision is against? कौन सा provision जो है वो against है? The right of person with disabilities act. Against पूछ रहा है मतलब कि not पूछ रहा है, ठीक है? Against पूछ रहा है मतलब not पूछ रहा है। Extra time for completion of examination paper. ये तो सही बात है। अब जिसको disability है, जिस बच्चे को, तो उसको तो आपको extra time देना ही चाहिए, है ना? उसके बाद है फैसिलिटी टू स्क्राइब टू मीट द स्टूडेंट्स नीड, ये तो एक अच्छी चीज है, इसमें नॉट पूछ रहा है ना तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। फैसिलिटी टू स्क्राइब टू मीट द स्टूडेंट्स नीड,
क्या कह रहा है कि उसका जरूरत के हिसाब से, जो बच्चे का जरूरत है उसके हिसाब से उसको फैसिलिटी देना चाहिए। तो यह भी एक सही चीज है, इसमें सही चीज नहीं बताना, जो गलत है वो बताना है। कंपलसरी सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्स, ये गलत बात है। जो डिसेबिलिटी है जिस बच्चे में, उसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज या कोर्स उसके लिए कंपलसरी नहीं कर सकते। उसको तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा सब कुछ देंगे ना। आप करें सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज उसके लिए कंपलसरी कर दो, तो ये तो उसके राइट के अगेंस्ट हो जाएगा। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड, अब उसका जैसा जरूरत है वैसा उसको, अब उसको चलने फिरने में दिक्कत है, बैसाखी लेकर चल रहा है, तो आप उसको बैठने का नीचे इंतजाम करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे बैठने का इंतजाम करेंगे कि उसको सीढ़ी से ऊपर नीचे कराएंगे। तो कह रहा है कि कौन सा अगेंस्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट है, तो उसको एग्जाम में ज्यादा टाइम दीजिए, ये तो सही चीज है, ठीक है। उसके जरूरत के हिसाब से फैसिलिटी दीजिए, ये भी सही चीज है, और उसके जरूरत के हिसाब से उसको सुविधा दीजिए रहने का, ये भी सही है। लेकिन सेकेंड थर्ड लैंग्वेज उसको कंपलसरी कर दीजिए, ये एक गलत बात है और गलत ही पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, ठीक है। परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना देना चाहिए, उसको जरूरत है अधिक समय का। विद्यार्थियों की जरूरत पूरे पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, सही बात है। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा तो उसके लिए आप कोई लिखने वाला दे देंगे कि चलो भाई ये तुम्हारे लिए लिखेगा। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, ये एक गलत बात है। आप उसको कोई चीज कंपल्सरी मत करिए, उसके जरूरत के हिसाब से उसको सुविधा दीजिए, ठीक है। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, ये भी सही चीज है कि उसको जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको सुविधा दीजिए। तो सिर्फ उस जो बच्चा की दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, उसके लिए आप कह देंगे कि सेकेंड और थर्ड भाषा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये एक गलत बात है, ठीक है। बल्कि उसको जहां तक होगा आप सुविधा ही देंगे। 17th क्वेश्चन देखते हैं। टू एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर। डाइवर्स लर्निंग जो है उसके स्टूडेंट के नीड के लिए क्या बैरियर का काम करता है, क्या रुकावट का काम करता है, तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, ये तो सही चीज है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन मल्टीपल वेज, ये भी सही चीज है। लेबलिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन मल्टीपल वे, लेबलिंग जहां भी आ जाए वो एक निगेटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। जहां भी लेबलिंग आ जाएगा वो एक निगेटिव आंसर, और बैरियर पूछ रहा है, बैरियर पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि गलत बात पूछ रहा है कि क्या रुकावट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो जो अच्छी चीज है वो इसमें नहीं बताना है, जो गलत चीज है वही पूछ रहा है, ठीक है। जो गलत चीज है वही पूछ रहा है कि क्या रुकावट करेगा, लेबलिंग और रैंकिंग जो है वो रुकावट करेगा। विद्यार्थियों को सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना ये बच्चे के लिए अच्छी चीज होती है। कई तरह से कार्य की राय की अभिव्यक्ति, बच्चा जितना तरह से एक्सप्रेस करे अपने आप को, अच्छी बात है। कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण, जहां भी बच्चा को लेवल कर दिया जाता है कि तुम इस उसमें तेज बच्चे का एक अलग ग्रुप बना दो, कमजोर बच्चे का एक ग्रुप अलग ग्रुप बना दो, इसको ब्लैक स्टार दे दो, इसको ये रैंक, जहां भी हो जाएगा ना वो एक निगेटिव चीज हो जाएगा, ठीक है। रैंक वाला, जहां भी बच्चे को रैंक दिया जाता है, जहां भी बच्चे को लेबल लगा दिया जाता है, वो बहुत निगेटिव आंसर होता है, ठीक है। कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व, ये भी एक पॉजिटिव चीज है, तो इस चारों में से यही एक निगेटिव चीज है, और इसमें बैरियर पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज।
कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिससे कि कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका वो अफेक्ट होगा, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको जो कोई कुछ बोल रहा है आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और आप जो किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पाएंगे, तो ये कौन सा होगा? ये है डिसफेजिया। ठीक है, ये डिसफेजिया है। डिस कैलकुलिया तो मैथ से कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डिसग्राफिया जो है वो लिखने से रिलेटेड है, और डिसफोरिया जैसा कुछ है नहीं, तो ये डिसफेजिया ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम और क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो ये डिस, इसका हिंदी में ही नाम याद रखना ज्यादा आसान है, डिसफेजिया। ठीक है, इसको डिसफेजिया ही नाम याद रखिए, डिसफेजिया, जिसमें वो खुद को दूसरे के बात को समझ नहीं पाएगा और अपने बात को सही से समझा नहीं पाएगा। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसग्राफिया इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर, नहीं एंश्योर नहीं, इंश्योर होना चाहिए, इंश्योर कर रहा है कि जिस बच्चे को डिसग्राफिया है उसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को डिसग्राफिया है उसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे, तो डिसग्राफिया वाला बच्चा को क्या दिक्कत होता है, वो सही से लिख नहीं पाता है, जिसको डिसग्राफिया है वो सही से लिख नहीं पाएगा, तो इसके लिए आप उसको बच्चे को इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन क्लास। सही बात है भाई, जब वो लिख नहीं अच्छे से पा रहा है तो उसको आप बोलने वाला चीज दे देंगे ना कि लो भाई तुम नहीं लिख पाते तो तुम बोल लो, अगर तुमको लिखने में दिक्कत है तो तुम बोल के अपना काम चलाओ, क्योंकि हर बच्चे को इंक्लूड करना है ना, तो जिस बच्चे को जिस चीज में दिक्कत है जिस चीज में प्रॉब्लम है आप उसको वो सुविधा देंगे। एक्सटेंसिवली यूज रिटन टेस्ट फॉर असेसमेंट, अब उसको लिखने में ही दिक्कत है तो आप उसको रिटन टेस्ट में लिखने का काम ज्यादा दे देंगे, ये तो गलत बात है। मेक इट कंपल्सरी टू राइट ऑन प्लेन एंड रूल, अब जब उसको लिखने में ही दिक्कत है तो आप उसको ऐसा पेज दे देंगे जिसमें लाइन नहीं है, तो अब उसको अगर ब्लैंक पेज दे देंगे तो वो ज्यादा दिक्कत होगी ना, अगर उसको कम से कम लाइन ये ऐसा पेज देंगे तो थोड़ा बहुत कैसे भी लिख लेगा, लेकिन पूरा ही ब्लैंक दे देंगे तो तब तो उसे और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो अनरूल्ड सीट दे के तो आप उसे और प्रॉब्लम ही कर देंगे। सेट फिक्स्ड टाइमलाइन टू फिनिश, उसके लिए फिक्स टाइमलाइन कैसे सेट कर देंगे, जब उसको डिसग्राफिया लिखने में दिक्कत है तो उसको तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप, सही बात है, अगर उसको लिखने में दिक्कत है तो आप उसको ऐसा चीज दे दीजिए जिससे वो बोल के अपना काम कर ले, और उसको मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक, जब उसको लिखने में दिक्कत है तो आप ज्यादा लिखने वाला चीज नहीं दे सकते है ना, सादा या अनियमित कागज पत्र पर लिखना अनिवार्य कर देंगे तो उसे और भी दिक्कत होगी, और उसको एकदम टाइम लाइन दे देंगे कि तुमको इतने टाइम के अंदर ही लिखना है तब तो उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विथ क्रिएटिविटी, जो बच्चा क्रिएटिविटी जिसके अंदर है, जिस बच्चे के अंदर, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर हायर ऑर्डर, ये तो है, जो क्रिएटिव बच्चा है उसका तो थिंकिंग हायर ऑर्डर होगा, ये तो सही बात है। दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू डाइवर्जेंट वेज, ये भी सही चीज है, जो क्रिएटिव बच्चा है वो डाइवर्जेंट तरीके से सोचेगा। ठीक है, जो क्रिएटिव बच्चा है वो हर तरह से सोचता है, वो हर तरफ अपना दिमाग लगाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उसका। दे हैव लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न, यही गलत बात है। ठीक है, नॉट पूछा है ना, यही गलत बात है, उसको लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं होगा, उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। ठीक है, उसको जो क्रिएटिव बच्चा है उसको नया टॉपिक सीखने का ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, लो नहीं होता है। दे ऑफन कम अप विथ नोवेल आइडियाज एंड इनोवेशन, ये तो सही बात है, अगर जब वो क्रिएटिव है तो उसके दिमाग में तो हमेशा नया आइडिया और इनोवेशन आएगा ही ना।
निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, ये सही बात है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान करते, ये भी सही बात है। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम नहीं होती है, बल्कि जो क्रिएटिव बच्चा उसमें नए चीजों को सीखने की जिज्ञासा ज्यादा होती है। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, उसके दिमाग में हमेशा नया नया आइडिया आएगा, तभी तो वो क्रिएटिव है। तो नोट पूछा है तो थर्ड हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।